तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक जीडी फाइव की वीडियो में। मेरे को मालूम है पूरे 10 या 11 दिन के बाद वीडियो अपलोड हुआ है आज फाइनली। देखो गाइस, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, मेरे आइल्स के एग्जाम चल रहे थे, जो कि एक एग्जाम होता है लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन है मैं 2 मंथ से कर रहा था, और जो उसका रिजल्ट है वो 7 या 8 तारीख को आ जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको वो भी बता दूं, कई लोग ना ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई चैनल का पासवर्ड भूल गया क्या, वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, या कहाँ ही खो गया, दुनिया से बाहर चला गया। लेकिन नहीं यार, मेरे एग्जाम चल रहे थे और फाइनली वीडियो आ गया है। तो जा करके ना जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दो। देखो गाइस, एक मेन प्रॉब्लम ये है, क्रिमिनल तो यार भाई बातचीत तो करता ही नहीं है किसी से, चुपचाप यहाँ पर बैठा रहता है, और मैं आज इसको अपने घर पर लेकर के आया हूँ। तो लेस्टर नाइस से बातचीत कर रहा है, क्रिमिनल से पूछ रहा है कि तू क्रिमिनल भाई, तू सही है यहाँ पर कि तेरे को कहीं और रहना मिलिट्री बेस में? तो ये कह रहा है नहीं, मैं मिलिट्री बेस बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, मज़ा तो मेरे को यहाँ पर आ रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा तुमसे बातचीत करने में, क्योंकि ना यार आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा तगड़े वाले दुश्मन थे और क्रिमिनल ने अपने साथ बहुत ज़्यादा फाइट भी करी है, तो दुश्मनों के साथ रहना उसको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। और यहाँ पर टॉमी और सीजे भी अपने घर पर हैं, अमेंडा भी यहाँ पर है, ये तो गई हुई थी अपना जिम, और जिम से इसके दिमाग में पता नहीं क्या चला, अचानक से सीधा मेरे घर पर आ गई है मेरे को कॉल करके, और ये कह रही है कि इसको बिल्कुल भी नहीं पता, इसको ना आज के आज ही रेंज रोवर चाहिए, वो भी ब्रांड न्यू। कह रही है कि 3 या 4 महीने हो गए हैं टालते टालते, डिले होती जा रही है, गाड़ी आ ही नहीं रही है। अब पैसों का जुगाड़ मैंने बोल दिया, टॉमी और सीजे लगाते रहेंगे, और बाकी अपने को ना चलना होगा इस टाइम पर मिलिट्री बेस पे। तो ठीक है भाई लेस्टर, जल्दी से निकलते हैं इधर से। बाकी यार आप सबको पता ही होगा हम लोग मिलिट्री बेस क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने पुलिस के कमिश्नर को किडनैप करवाया था, और बाकी उसने ना सच उगल दिया है, वो मान गया है कि वो डगन के साथ काम करता है, और कर्नल ने अपने को बुलाया है क्योंकि ना यार आगे की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। बाकी मैं डगन के बेस से भाग करके आ गया था लेकिन उसने ना कुछ भी नहीं एक्शन लिया मेरे अगेंस्ट, पता नहीं भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो ठीक है यार, अब जल्दी से ना हम लोग इधर से चलते हैं सीधा सामने लेस्टर की गाड़ी में बैठ करके, और जो अपनी गाड़ियाँ हैं वो या तो रिपेयर हो रही हैं या तो बैनी के शोरूम में ना धुलने के लिए पूरा उनकी जो भी सर्विस है वो हो रही है। तो लेस्टर ये जो SUV है ये बहुत ज़्यादा काम आ रही है, लेस्टर की SUV। तो लेस्टर सोच रहा है कि हम लोग इसको पर्सनली बाय क्यों ना कर लें, क्योंकि ये रेंटल गाड़ी है अपनी, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है भाई, अब जल्दी से ना अपनी हम लोग गाड़ी को यहाँ से लेकर के चलते हैं सीधा बाहर की साइड, और आराम से यार इतने दिनों के बाद मैं आज गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, कहीं थूकूंगा यार, मेरे को तो पक्का अंदर से ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं टक्कर तो बहुत ज़्यादा गंदे वाली मारूंगा, और अगर गंदे वाली टक्कर लगी तो लेस्टर पक्का भाई अपने को बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, क्योंकि एक तो ये जो गाड़ी है ये रेंटल है, पर्सनल अपना व्हीकल नहीं है। अरे भाई तुम चले जाओ साइड से पहले, मेरे को बस आराम से निकलने दो, तो बहुत ज़्यादा खूब यार। ठीक है गाइस, अब जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को ना पूरी ट्राई करूंगा बिना टक्कर मारे यहाँ से निकलूँ। और बाकी एक डगन है और एक वो बंदा है, आपको पता ही होगा, जो बहुत ज़्यादा रिच है और एक टाइप से रेसर भी है, तो देखा जाएगा भाई जैसा भी होगा देख लेंगे हम, कोई डरने की बात नहीं है। लेस्टर कह रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो भगाते हैं अपनी गाड़ी को इधर से, चलते हैं सीधा बेस पर। भाई हट जाओ भाई, मैं कच्चे ड्राइवर हूँ। ओके तो गाइस, इस टाइम पर मैं और लेस्टर अपनी गाड़ी को लेकर के ना पहुँच गए हैं सीधा मिलिट्री बेस पर, और मैंने कर्नल को कॉल करा था अभी, कर्नल से पूछा कि तुम लोग हो कहाँ पर, तो कर्नल कह रहा है कि बस पुलिस कमिश्नर के साथ उसकी गेम बजाने में लगे हुए हैं, तो जल्दी से चलते हैं भाई, इतने दिनों से वो उसको पीटते जा रहे हैं, वो मर मरा ना जाए बिन बात के, हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। और फाइनली मैं पहुंच तो गया हूँ इस वेयर हाउस के अंदर, दो दो टैंक खड़े हैं, और जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर करता हूँ पार्क। तो चल भाई लेस्टर, अब जल्दी से उतर गाड़ी से और चलते हैं सीधा आगे की साइड। और देखो गाइस, बहुत ज़्यादा कम सिक्योरिटी आप इस वेयर हाउस में देख रहे होगे, क्योंकि ना मिलिट्री है भाई, मिलिट्री में तो कुछ भी नहीं हो सकता यार, कोई बाहर से अटैक करेगा तो एक ही सेकेंड में इतनी ज़्यादा आर्मी इकट्ठी हो जाएगी ना, तो वो बंदा मारा ही जाएगा। तब करके इस वेयर हाउस में बस मेन से दो टैंक खड़े हैं और 3 या 4 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, और कमिश्नर यहाँ पर खड़ा है, इसका मतलब अगर यहाँ पर हमला हुआ भी ना छोटा सा, तो आप समझ लो पूरी मिलिट्री एक ही बार में आ जाएगी। और वैसे भी बाहर की साइड ना हेलीकॉप्टर वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो सारी मिलिट्री वाले यहीं पर हैं। तो जल्दी से ना कर्नल से चल करके बातचीत करते हैं, और यहाँ पर एक बार इसकी हालत देखो भाई, ये वही कमिश्नर है जो एक बार अपने को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन क्या गंदी हालत होगी इसकी, पूरा ना खून वगैरह इसका निकल रहा है, अब बहुत ज़्यादा पीटा इन्होंने, और पीछे की साइड कुछ टॉर्चर का सामान रखा है ना यहाँ पर, देखो भाई यहाँ पर ना कुछ गैस रख रखी है और बाकी हैमर है,
बैटरी वगैरह भी रखी है, पक्का ये लोग इसको पीट करके टॉर्चर करते होंगे। तो जल्दी से अब चलता हूँ सीधा कर्नल के पास और उससे चल करके बातचीत करते हैं। फाइनली गाइस, इस टाइम पर मेरी कर्नल से पूरी बात हो गई है और जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। देखो, वो कमिश्नर ने ना हमें सब कुछ बताया है। वो कह रहा है कि जो डगन है वो आज अटैक करेगा प्रिजनर के बंदों के साथ और कुछ फेक पुलिस वालों के साथ सीधा प्रेसिडेंट की स्पीच पर। और इसको ये भी मालूम है कि आज प्रेसिडेंट की स्पीच चल रही है। तो फिर मिलिट्री के कर्नल ने प्रेसिडेंट को कॉल करा और पूछा, सर आप कहाँ हो? तो वो कह रहा है कि मैं तो स्पीच पर आया हुआ हूँ। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन कर्नल बोल रहा है कि सर आपकी जान को खतरा है। तो कर्नल ने अपने को बोला कि माइकल सबसे पहले ना तू वहाँ पर पहुँच, क्योंकि मेरे को तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। देखो गाइस, डगन ना सीधी सी बात है वो प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। अगर वो प्रेसिडेंट को मार देगा तो वो खुद बन जाएगा प्रेसिडेंट लॉस एंजेलोस का। और यार जो प्रेसिडेंट है वो भाई मीटिंग कर रहा है, किसी और प्रेसिडेंट आया हुआ है लॉस एंजेलोस के अंदर, तो उनकी कोई मीटिंग चल रही है। तो आपको याद होगा जहाँ से अपने को ना गिफ्ट मिला था प्रेसिडेंट से, अपने को बिल्कुल वहाँ पर जाना है। अरे भाई सॉरी यार, माफ़ करना, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तगड़े वाली इमरजेंसी है। तो मेरे को ना अपनी गाड़ी को लेकर के सीधा उस लोकेशन पर पहुँचना होगा, और एक बार मैं झटके से जाऊँगा तो पक्का भाई रिस्क हो सकता है और वो मेरे को पकड़ भी सकते हैं जितने वहाँ पर सिक्योरिटी वाले होंगे। अब प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट बात तो हमारी नहीं सुनी है, वो यार हमें इग्नोर कर रहा था एक टाइप से, और वो थोड़ा बिजी भी था। तो जल्दी से ना यार कर्नल ने बोला कि माइकल तू जा, अगर पूरी मिलिट्री जाएगी तो डगन को पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि भाई डगन मेरे को लग रहा बच्चा तो नहीं है, वो कोई तगड़ी ही चीज़ है। जिस हिसाब से वो पूरा प्लान बना करके चल रहा है ना, और उसने मेरे ऊपर एक बार भी अटैक नहीं करा, तो कुछ और उसके प्लान है शायद से। देखो गाइस, इस टाइम पर ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुंच गया हूं सीधा स्पीच की जगह पर। और बाकी अभी मेरे को कर्नल का कॉल आया था, तो वो कह रहा है कि ना कमिश्नर ने बताया कि इस मीटिंग के अंदर डगन के कुछ फेक बंदे हैं। तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, अबे हट होना जल्दी से, चेकिंग वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। और यहाँ पर भाई मेरे ऊपर फायरिंग होना शुरू हो चुकी है, और ये लोग इस टाइम पर सोच रहे हैं कि मैं एक चोर हूँ और प्रेसिडेंट को मारने के लिए आया हूँ। अरे भाई यहाँ शायद से किसी को भी अभी तक मालूम नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से ना अपनी गाड़ी को, अभी अभी भाई भाई बच गया यार, यहाँ पर जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं रोकता हूँ। और भाई यार ये रेंटल गाड़ी थी तो पूरी ख़त्म ही होगी एक तरह से, तो जल्दी से चलता हूँ सीधा आगे की साइड। और बाकी यार प्रेसिडेंट की बिल्कुल जान बचाने के लिए आया हूँ, आपको पता भाई मैं कुछ गलत काम यहाँ पर नहीं करने के लिए आया, मैं प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए आया हूँ। तो मेरे को ना बस एक काम करना होगा, यहाँ पर ना भाई सब बंदों में मेला टाइप लगाना होगा, समझ रहे हो भाई, यहाँ पर इतना ज़्यादा ना रश करवा देना होगा कि सबके सब यहाँ पर भागना शुरू कर दें। अब मेरे को पूरी बात तो समझ नहीं आ रही है, कुछ बंदे भाग भी रहे हैं डर के मारे, क्योंकि फायरिंग होना शुरू हो चुकी है इधर। देखो भाई इधर सामने की साइड से ना मेरे ऊपर फायर होना शुरू हो चुका है, और ना चाहते हुए भी ना मेरे को इनको मारना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ना इस टाइम पर अंदर की साइड लॉक हो गया होगा, इतनी मेरी गारंटी है। और बाकी आधे बंदे हैंड्स अप करके खड़े हैं, और अबे भाई यहाँ पर अबे निकल लो ना यार, तुम लोग मानते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारी जान लेने नहीं आया, लेकिन यार ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इस टाइम पर मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्योंकि ना गाइस आपको पता ही है प्रेसिडेंट ने इग्नोर मार दिया है कर्नल को, और वो भी बिजी होगा, तो बस मेरे को ना थोड़े बहुत सिक्योरिटी वाले क्लियर करने होंगे। अरे यार मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं है इनको मारने का, लेकिन यार अपने को कुछ ना कुछ तो करने होगा, क्योंकि इस पूरी स्पीच के अंदर डगन के भी कुछ बंदे हैं, और अभी भाई गोली मार रहा कोई मेरे, तो यहाँ पर कुछ स्वैट टीम वाले हैं, तो चलो मेरे को लग रहा है ना कि फेक पुलिस वाले भी हो सकते हैं, तो कुछ भी नहीं कह सकते भाई। अब जल्दी से ना मेरे को आगे की साइड चल लेना चाहिए और उनकी गोलियों से बच गए, क्योंकि मेरे पास ना वेस्ट वगैरह भी नहीं है भाई, सच बोलूँ तो। देखो गाइस यहाँ पर एक स्वैट टीम का बंदा आ गया है, और ऊपर की साइड भी एक बंदा है, तो उसको भी ख़त्म कर दिया है। यार मेरा ना सही में बता रहा हूँ, इनको मारने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन यार ये बिन बात की मर रहे हैं, मैं क्या ही करूँ। और जल्दी से चलता हूँ आगे की साइड, यहाँ पर भी कुछ बंदे हैं, तो जल्दी से ख़त्म हो जाओ ना, इनको भी मैंने मार दिया है। और एक आधा बंदा, अबे भाई ये पत्तों के बीच में से पता नहीं क्या कर रहा है, तो ठीक है अब जल्दी से मेरे को, ओ भाई एक मिनट, ये प्रिजनर है, इनकी आउटफिट देखकर ही मेरे को लग रहा है कि ये कुछ जेल से भाग में बंदे हैं, और इन्होंने पूरी कॉस्ट्यूम भी नहीं बदली है, और ये लोग मिलिट्री के साथ मिल करके मेरे को मार रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है ना ये कुछ फेक बंदे हैं जो पूरे कपड़े वगैरह चेंज करके आए हुए हैं। तो जल्दी से ना मेरे को इनको मारना पड़ेगा, और पहले इसको ख़त्म कर, चल भाई मर जाना, क्या दिक्कत है क्या तेरे को कोई, ठीक है भाई इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया है। ओ भाई मेरे को लग रहा है ना कि डगन के बंदे हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है, और एक बार ना थोड़ा बहुत कंफर्म करते हैं। ठीक है गाइस, इस टाइम पर मैंने शॉटगन ले लिया है, और जल्दी से ना शॉटगन से इसको तो चिपका दिया तुम्हारे भाई ने। पुलिस के कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, और अबे अबे भाई पीछे की साइड भी कुछ बंदे हैं, मर जाना भाई मर जा भाई, किन बात के यहाँ पर।
पंगा ही कर रहा है, ठीक है, उसको भी मैंने मार दिया है। कुछ बंदे नजर मारो, पुलिस वाले भी उनके साथ खड़े और प्रिजनर भी उनके साथ खड़े हैं। तब तो मेरे को 100% कंफर्म तो हो ही गया हूँ मैं कि ये शायद से डगन के बंदे हो सकते हैं। भाई हर जगह से मेरे ऊपर फायरिंग हो रही है और मैं ना इन दीवारों के बीच में छुपा हुआ हूँ। तो एक बंदा यहीं कहीं था ना पहले, भाई उसको छोड़ो यार, जल्दी से ना मेरे को आगे की साइड चल लेना चाहिए। कुछ पुलिस वाले पीछे हैं तो चल निकल इधर से, इसको भी ख़त्म कर दिया। अब मेरे को बिल्कुल बिना कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये रियल बंदे हैं या तो फेक बंदे हैं, क्योंकि सब कुछ मिक्स हो गया एक टाइप से। यार मैं भी यार रूल फॉलो कर रहा हूँ, वो भी कर्नल का, तो मेरे को ना जैसे तैसे ना चल लेना चाहिए सीधा राइट साइड में, क्योंकि ना वहाँ पर कुछ प्रिजनर हैं और ये लोग ना कहीं वेट कर रहे हैं, पक्का रूम के बाहर, पक्का उसी का वेट कर रहे होंगे प्रेसिडेंट का। और चल निकल इधर से, और कहाँ पर हो भाई बंदे, वहाँ पर एक बंदा, उसको भी ख़त्म कर दिया है, और एक पीछे के साइड है इसको भी मार दिया है। तो ठीक है मेरे को ना जंप, अबे भाई जंप करना था यार माइकल भाई, अब मेरे को वापस से चढ़ना पड़ेगा इसके ऊपर और जल्दी से ना जंप करते हैं। और बाकी ना सारे जो जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी मिलिट्री वाले हैं, ये लोग मेरे ऊपर एम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। तो ठीक है यार, जैसे जैसे तुम्हारा भाई अंदर की साइड तो पहुँच गया है, पीछे की साइड कोई भी नहीं है, और यहाँ पर नज़र मारो ये प्रिजनर है, ये डगन के बंदे हैं, क्योंकि ना इनके कोड वर्ड भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये लोग कोई कपड़े चेंज करके नहीं आए, मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। और बाकी कुछ FIB के भी बंदे हैं और ये लातों के बीच में फंसा हुआ है। तो ठीक है, इनको तो तुम्हारे भाई ने क्लियर कर दिया है, और अभी नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे को ऊपर नहीं जाना भाई, एक मिनट, मेरे को अपनी मशीन गन निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है यार, मशीन गन तुम्हारे भाई ने निकाल लिया है, अब ना चाहते हुए भी इन्हें ख़त्म करना ही पड़ेगा। एक तो ना प्रेसिडेंट को जल्दी से ना ये लोग तभी बाहर निकालेंगे अगर मैं यहाँ पर पूरा ना हमला वगैरह करूँगा। और अभी ये कितनी खतरनाक एम्बुलेंस है भाई, बुलेट प्रूफ है क्या, फटने पे नहीं आ रही है। अब चल बेटा ख़त्म हो इधर से, अबे मर जाना, मुक्के से मार देगा, इतना बड़ा हो गया क्या तू, मेरे को मार देगा। ठीक है यार, अब जल्दी से ना हमने पूरी गाड़ियाँ वगैरह तो ब्लास्ट करना शुरू कर दिया है। देखो मेन मकसद यही है, कर्नल ने बोला कि अपने दिमाग से माइकल तू वहाँ का एरिया खाली करवा, तो हम लोग करवा रहे हैं भाई। अब तबाही करा करके कराएं खाली, चाहे जैसे मर्जी कराएं, अगर हम लोग यहाँ पर तबाही ना मचाते तो प्रेसिडेंट की जान को खतरा हो सकता था। और बाकी अब मेरे को चलना, निकल इधर से, सिक्योरिटी वाला पता नहीं क्या ही कर रहा है उधर। तो थोड़ी बहुत ना और गाड़ियों को ब्लास्ट करता हूँ मैं, और अब गाइस बहुत तगड़े वाला धमाका तो ठीक है, स्टिकी बम यही चिपक गया। ठीक है यार, मैं पीछे की साइड तो आ गया हूँ, अब जल्दी से ना सब कुछ करते हैं ब्लास्ट। और यहाँ पर आप सब लोग देखो भाई कितनी ज़्यादा नुकसान कर दिया तुम्हारे भाई ने, बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है। और ये टैंक क्यों बचा, पहले इस गाड़ी को मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। और मज़ा तो आ रहा है बहुत ज़्यादा ये सब करने में, लेकिन भाई यार ये तो ऑर्डर है ना कर्नल का, तो अपनी जीप से कुछ भी नहीं जाने वाला ना, अपने को कुछ चक्कर है। बस एक बार अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ पुलिस वाले सामने की साइड हैं, अबे इनको मैं भगाता हूँ भाई, मारूंगा बिल्कुल भी नहीं, अबे हटने पे नहीं आ रहे, पूरी ड्यूटी पर हैं। तो चलो निकलो इधर से, तीनों के हेड बजा दिया है। और है क्या कोई, नहीं कोई सामने से मेरे ऊपर फायर कर रहा है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर ये बंदा, इसको मार दिया, और भाई वो सामने की साइड उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो ठीक है भाई, इतना काम हमने कर दिया है। अब बाकी ना मेरे को ये कन्फर्म करना होगा कर्नल को कॉल करके कि जो प्रेसिडेंट है वो भागा यहाँ से कि नहीं भागा, मेरे को ये भी मालूम नहीं है। ऊपर से मैं अगर नज़र मारूँ तो भाई सारा एरिया खाली कर दे तुम्हारे भाई ने, इसका मतलब प्रेसिडेंट भी भाग ही गया होगा इधर से। देखो गाइस यार, अभी ना मेरी कर्नल से पूरी बातचीत तो हो गई है कॉल पे, और कर्नल कह रहा है कि माइकल तू जहाँ पर है ना उसके बिल्कुल नीचे की साइड एक रूम है, उसका जो डोर है वो बुलेट प्रूफ है, लेकिन ज़्यादा देर तक वो बुलेट प्रूफ नहीं रहेगा। वहाँ पर कुछ 10 या 12 बंदे हैं डगन के, और वो लोग ना उस डोर को ब्लास्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। अभी मैं जा कहाँ से रहा हूँ, मेरे को यहाँ से जाना है। और हाँ भाई, जो प्रॉब्लम है ये है कि अंदर दोनों प्रेसिडेंट है, तो अपने को ना बस उन बंदों को मारना होगा। मशीन गन लेते हैं, आज तो पूरी तबाही मचाते हैं। और पीछे की साइड ही वो डोर होने वाला है, कोई सिक्योरिटी वाला तो नहीं है ना यहाँ पर, नहीं, ये लोग बेचारे डरे हुए हैं, देख रहे हो भाई आधे तो भाग रहे हैं इधर उधर डर के, तो क्या ही कर सकते हैं। और मैंने कर्नल को बोला जितनी भी मैं तबाही मचा रहा हूँ मेरे को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, तो वो कह रहा वो गारंटी मैं लेता हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच तो गया हूँ, लेकिन ये तो कुछ 4 बंदे हैं, तो जल्दी से ना मरो ना जल्दी से इधर से, ज़्यादा प्रेसिडेंट को क्या पकड़ने जा रहे हो, पहले मेरे को पकड़ के तो दिखाओ। ओ भाई नहीं, 4 बंदे नहीं है, पीछे की साइड बहुत ज़्यादा बंदे हैं। ओ भाई नहीं नहीं, मैं तो शायद से ना गलत ही आ गया हूँ, तो एक काम करता हूँ जल्दी से ना यहाँ से ना भाग करके थोड़ा बहुत आगे की साइड जाता हूँ। अरे भाई ये तो कंटिन्यूसली मेरे ऊपर फायर कर रहे हैं, तो अब जल्दी से ना मेरे को एक काम करना पड़ेगा, जिसकी शक्ल देखी उसके हेड, चल निकल इधर से, दोनों को जो तुम्हारे भाई ने हेड बजा दिया है। और ये लोग चले हैं प्रेसिडेंट को पकड़ने के लिए, और तू गंजे चल निकल इधर से, और बाकी एक एक टैप पड़ेगा बेटा तुम्हारी बुद्धि ना पूरी ठिकाने आ जाएगी। तो ठीक है यार, इसको भी तुम्हारे भाई ने पीट दिया है, और चल निकल इधर से। एक तो वेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई इनको मारना,
तो जल्दी से अपने हाथ में मशीन गन रखते हैं। मैं ना सोच रहा हूँ कि एक काम करूंगा, जो भी आएगा सीधा फ्री फायर में लपेट दूंगा। तो चल निकल इधर से। ओ भाई यहाँ पर ना ये प्रिजनर है, जैसा भी आप देख रहे हो ना, ये लोग ना पूरी सिक्योरिटी के साथ आए अपने बंदे लेकर के। तो चल निकल इधर से। और तू क्या मारेगा बेटा, पहले खड़ा था जा पैरों पे, सीधा उसके एक हेड बजाया मशीन गन से और उसकी तो पूरी गेम ही बजा दी है। यहाँ पर स्पीच चल रही थी लेकिन अकेले माइकल ने क्या खतरनाक वाला काम कर दिया है। तो जल्दी से ना यार मैं कॉल करवाता हूँ प्रेसिडेंट को और उसको निकलवाता हूँ बाहर की साइड। और इसकी आत्मा क्यों तड़प रही है भाई, चल निकल इधर से। इसकी आत्मा को ना पूरी शांति देनी पड़ेगी। नहीं यार ये कुछ अलग ही तड़प रहा है, तो इसको छोड़ते हैं फिलहाल, तो ना प्रेसिडेंट पर फोकस करते हैं। देखो गाइस यार इस टाइम पर ना प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आ गया है और बहुत ज़्यादा तगड़े वाले धमाके हो रहे हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि दूसरा प्रेसिडेंट कहाँ पर गया है, क्योंकि ना वो यहाँ से एस्केप हो गया है। अपने प्रेसिडेंट ने अपनी वीआईपी गाड़ी से उसको एस्केप करवा दिया है, जिसमें पूरी सिंगल सीट थी। पता नहीं भाई क्या सीन है। अब फिलहाल तो ना मेरे को इस प्रेसिडेंट को बचा करके यहाँ से निकलना होगा। अबे कहाँ चला गया यार, यहीं तो था अभी। और भाई फाइनली वो रहा सामने की साइड। तो जल्दी से ना मेरे को ना इसको बचा करके यहाँ से निकलना होगा। अबे वो तेरे सर के ऊपर ना गिर जाए, सर मेरे पीछे आओ ना यार। एक तो अगर मैं इसको बचा करके यहाँ से निकल जाऊँगा ना, तो इसकी नज़रों में ना मैं बहुत ज़्यादा ऊँचा हो जाऊँगा। तो फिलहाल तो मैं एक काम करता हूँ, फास्टेस्ट गाड़ी कौन सी होगी यहाँ पर। तो अबे भाई इसमें भी आग लगी हुई है, तो ये गाड़ी पूरी परफेक्ट रहेगी। अब जल्दी से एक काम करता हूँ, प्रेसिडेंट कहाँ पर है। अबे यार ये पीछे से कोई इसको मार ना दे भाई, बिन बात के मैं इतनी मेहनत करके तो यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब एक काम करता हूँ जल्दी से ना उसको यहाँ पर लेकर के आता हूँ। और तुम लोग निकले नहीं क्या, भागो जल्दी से इधर से, एरिया खाली करो सबका सब। फिलहाल तो गाइज इस टाइम पर ना मैं प्रेसिडेंट को लेकर के पहुँच गया हूँ सीधा अपनी गाड़ी के बहुत ज़्यादा क्लोज। तो जल्दी से ना अपनी गाड़ी में बिठाते हैं प्रेसिडेंट सर। बैठो, मेरे को पता है कि आपकी आदत है वीआईपी गाड़ियों में जाने की, और आप घर में भी अपनी गाड़ियों या बाइक्स पर घूमते हो, लेकिन ये सस्ती सी गाड़ी मैंने खुद सड़क से उठाई है। अबे हट जाना। ठीक है भाई, अब प्रेसिडेंट को हम लोग ना इस गाड़ी में बिठा करके लेकर के जा रहे हैं। जितनी भी सिक्योरिटी थी वो तो तुम्हारे भाई ने खुद ही खत्म कर दिया है, लेकिन बीच में यार प्रिजनर भी थे और डगन की भी सिक्योरिटी थी, तो इतना तो बनता ही है ना। तो जल्दी से ना निकलते हैं सीधा हाईवे पर, और हाईवे पूरा परफेक्ट रहेगा इस टाइम पर। अबे भाई भाई भाई, अरे नहीं यार ये गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है, और जो इस गाड़ी की हैंडलिंग है वो भी पूरी कंफर्टेबल नहीं है। और प्रेसिडेंट कह रहा है कि बस मेरे को ना जैसे तैसे यहाँ से बचा करके ना निकाल दे एक बार मेरे घर तक। और मेरे ऊपर कोई फायर कर रहा है यार। अब जल्दी से ना मेरे को एक काम करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है ना कोई बंदे मेरे पीछा कर रहे हैं। तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले ना कोई तगड़ी सी गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये तो भाई पूरी जवाब दे गई है। तो एक काम करते हैं, ये एसयूवी चलेगी। अबे भाई रोक दे भाई, तेरी एसयूवी की स्ट्राइपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। अब प्रेसिडेंट सर उतरो जल्दी से गाड़ी से और बैठते हैं यार अब जल्दी से इसकी गाड़ी में। तो ठीक है भाई, अब यार उसकी जो हालत है कितनी ज़्यादा बेकार हो गई है। तो ठीक है भाई यार, वो भी बैठ के अपने साथ प्रेसिडेंट। तो जल्दी से अपनी गाड़ी को निकालते हैं। और यार पीछे से पुलिस आ गई है, ये पक्का फेक पुलिस होगी यार। जैसा भी आप देख रहे हो ये लोग अपने को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो एक काम, अबे भाई टक्कर मार रही है बहुत ज़्यादा गंदे वाली, तो मैं काम करता हूँ इसके ना हेड बजाना ही पड़ेगा। तो ठीक है यार, इसके तुम्हारे भाई ने हेड तो बजा दिया है, और इसको ना थोड़ा बहुत ना धक्का, ओ भाई धक्का मारने की तो बात ही छोड़ गई, तो बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में टक्कर मार करके शायद से ना अपना एरिया ब्लॉक कर रही है। अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा तगड़े वाली। जैसे तैसे ना यार मैं वहाँ से ना अपनी गाड़ी को लेकर के निकल तो गया हूँ, और बस यार अपने को ना प्रेसिडेंट बार बार बोल रहा है कि यहाँ से मेरे को जैसे तैसे निकाल। और ये मेरा नाम भी भूल गया भाई, ये बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। अबे यार मेरे को लग रहा ना रियल पुलिस वाले ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रेसिडेंट को लेकर के जा रहा हूँ या तो ये फेक पुलिस है। मेरे को तो बिल्कुल भी ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब मत कर रोकना रास्ता भाई, पागल है क्या, ये क्या कर दिया इसने। वाह भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा बढ़िया थी, क्या उसका जलूस ही निकाल दिया है। ठीक हो गाइस, जो गाड़ी है ना इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली टक्कर लगी अपनी गाड़ी में, और इस गाड़ी में आग लग गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रुका तो बहुत ज़्यादा तगड़े वाली प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर। और एक तो इस गाड़ी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, प्रेसिडेंट पहली बार इस घोस्ट राइडर वाली गाड़ी में बैठा होगा मेरे अकॉर्डिंग। और यार इसका ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस होगा। चलना निकल इधर से भाई, पूरा दिमाग नहीं खराब कर दिया इसने, आगे आ रहा पूरा ड्रिफ्ट वगैरह मार करके गाड़ी की। अब यार अगर मैं रुका तो सीधा मार देंगे ये लोग मेरे को, और ये लोग मेरा एनकाउंटर तो पक्का करेंगे। प्रेसिडेंट मेरे को बोल रहा है कि मेरे को उतार दे, ये पक्का रियल पुलिस है। देखो गाइस इस टाइम पर ना मैं गाड़ी से उतर गया हूँ, और जो प्रेसिडेंट है ना ये मेरे को बोल रहा है कि तू इन्हें मार क्यों रहा है।
देखो गाइस यार, मैं ना जल्दी से उस गाड़ी से उतर के ना इस गाड़ी में आ गया हूँ, और बाकी ना ये रियल पुलिस है अब मेरे को लग रहा है, और क्वेश्चन कर रहा है कि तू मेरे को उतार दे, तेरे को कुछ भी नहीं होगा। देखो गाइस, अगर मैं छटके से गाड़ी को रोक दूंगा ना, तो पुलिस ना सीधा प्रेसिडेंट के सामने ये सोचेगी कि मैं प्रेसिडेंट को किडनैप करके ले करके जा रहा हूँ, और जो तबाही तो मैंने मचाई है वहाँ पर, तो सीधा ये लोग मेरे को ना गोली मार के एनकाउंटर कर देंगे, और प्रेसिडेंट ये बात समझने पे ही नहीं आ रहा है। और अब जल्दी से ना मेरे को अपनी गाड़ी को ना यहाँ से भगा करके ले करके चलना होगा, पहले ना मैं एक शांत सी जगह पर पहुँच जाऊँ, और उसके बाद ना भाई प्रेसिडेंट को मैं सब कुछ समझाऊँगा। अभी नहीं, अरे यार ये दिक्कत हो जाएगी, ये भी बहुत ज़्यादा तगड़े वाली, बस अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा सही सलामत है, तो मैं काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना यहाँ से मेरे को लेकर के जाना होगा, और फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट यार ये भी ये सोच रहा होगा कि मैं इसको किडनैप कर रहा हूँ पक्का, और ना इसको मैंने डरा रखा है कि सर आप मेरे साथ हो तो सेफ हो, बाहर जाओगे तो मारे जाओगे। फिलहाल तो गाइस इस टाइम पर ना मैं अपनी इस खट्टारा पुलिस वाली गाड़ी को लेकर के ना शैंडी शोर्स के मेन हाईवे के ऊपर आया था, और फिर इस विलेज में आ गया हूँ, और प्रेसिडेंट को ना अब जल्दी से ना थोड़ा बहुत आगे की साइड लेकर के चलते हैं, और आ जाओ सर। कहाँ गया भाई ये? अरे यार ये डर रहा है, ये मेरे को सोच रहा है कि मैं चोर हूँ, लेकिन नहीं, आप मेरे को भूल गए, मैं माइकल हूँ, मिलिट्री के कर्नल से इसकी बात कराते हैं तो इसको समझ आएगा सब कुछ। देखो गाइस इस टाइम पर ना मैंने अपने फ़ोन से कर्नल को कॉल करने की ट्राई करी, लेकिन उसको कॉल तो बिल्कुल भी लगा ही नहीं है, और जो प्रेसिडेंट है इसका जो फ़ोन है वो भी टूट चुका है, पता नहीं वहीं कहीं गिर चुका है। यार मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं कर्नल का बंदा हूँ, और मेरे को कर्नल ने खुद भेजा है आपकी रक्षा करने के लिए, और ये ना मान तो गया शायद से, और ये बोल रहा है कि अपने सारे वेपन वगैरह तू पानी में फेंक दे, तो मैंने वो भी काम कर दिया, सारे वेपन फेंक दिए हैं, और ये इस टाइम पर ना अपने किसी बंदे को कॉल कर रहा है जो यहाँ पर ना गाड़ी लेकर के पहुँच जाएगा, या तो हेलीकॉप्टर लेकर के पहुँचेगा। फाइनली गाइस यार इस टाइम पर जैसा भी आप देख रहे हो ना, सामने की साइड से गाड़ी तो पहुंच गई है, और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले तरीके से आई है, तो ठीक है भाई अंदर शायद से इसकी सिक्योरिटी है तो आने देते हैं ही नहीं इधर। ठीक है भाई, इस टाइम पर ना जो प्रेसिडेंट है वो गाड़ी में बैठ करके जा रहा है, और ये ना अपने को पक्का कुछ बड़ा तगड़ा रिवॉर्ड देगा, तो ठीक है भाई अब जल्दी से ना हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। लेकिन एक मिनट गाइस, जो प्रेसिडेंट है वो तो गाड़ी लेकर के यहाँ से भाग गया है, और उसकी गाड़ी में से ये दो सिक्योरिटी वाले बंदे निकले हैं, और मैं तुम्हें मारना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ, और मेरा दिमाग फालतू में मत खराब करो, पहले ही बता रहा हूँ। देखो गाइस यार मैं भागता रहा बहुत ज़्यादा, सड़क के पास तो आ गया हूँ, और ये लोग ना मेरे पीछे की साइड पड़े हुए हैं मेरे को मारने के लिए। अरे यार अब मैं समझ गया हूँ, प्रेसिडेंट ने अपने सारे वेपन पानी के अंदर ड्रॉप क्यों करवाए, उसको शायद से मेरे ऊपर शक था, और जब भी उसके बंदे आए और वो उसी टाइम निकल करके भाग गया भाई, और जो मेरा मोबाइल है वो भी उसके पास है, तो मैं काम करता हूँ इस गाड़ी में बैठता हूँ, अबे हो जाएगी क्या स्टार्ट? अरे नहीं यार ये तो स्टार्ट होने पे ही नहीं आ रहे, और ऊपर से इसने मेरे को नीचे फेंक, अरे भाई ये बहुत ज़्यादा गंदे वाली एक्स मार रहे थे मेरे, अबे नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा गंदी लग जाएगी यार, अबे नहीं यार मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा गंदी लगेगी, अबे यार अब ना चाहते हुए भी ना इनको मारना ही पड़ेगा, और जो इनकी एक्स है इनकी ले करके ना एक्स उनको पीट रहे, अबे भाई क्या गंदा पीट रहे हैं भाई, क्या फेंक के मार रहे हैं मेरे को भाई, फुटबॉल हूँ क्या, बहुत ज़्यादा गंदा बजा रहे हो मेरे को, तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से ना मैं इस गाड़ी में बैठ, अरे यार गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मैं इसमें बैठूँ तो बैठूँ क्या, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर कवर में आता हूँ। ठीक है भाई, उस गाड़ी ने उनको टक्कर मार करके गिरा दिया, कहा देखो चल निकल इधर से, और इसको एक्स उठाने नहीं दूंगा, इससे पहले ना मैं इसको उठाता हूँ। तो बेटा अब तो तुम लोग बहुत ज़्यादा गंदे वाले तरीके से गए हो, तो चलो निकलो इधर से, एक को तुम्हारे भाई ने खत्म कर दिया है, और चल निकल इधर से, ओ भाई बराबर मार रहा है ना, अब तेरे को ना ऐसा मारूंगा मैं खत्म हो जाएगा, चल निकल इधर से, और इसको भी बचा, ओ भाई नहीं, अरे नहीं यार बहुत ज़्यादा गंदा मार रहे हैं ये लोग एक्स से भाई, बहुत ज़्यादा ही सही में यार बहुत ज़्यादा ही गंदा पीट रहे हैं, तो काम करते हैं चल निकल इधर से। अरे यार एक बंदे को तो मैंने ख़त्म कर दिया है, और इसको भी ख़त्म करते हैं, और इसको भी ख़त्म कर दिया तुम्हारे भाई ने, ठीक है यार ख़त्म कर दिया फाइनली, और ये इसमें अभी भी जान है, ये गंजारा बहुत ज़्यादा चलाक बन रहा है, चल निकल इधर से। प्रेसिडेंट तो इनको छोड़ करके भाग गया है, और गाड़ी चाहिए होगी मेरे को इस टाइम पर सीधा जाना है मिलिट्री के कर्नल के पास, क्योंकि आपको पता है हम लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गंदे वाले तरीके से फंस गए हैं, हम लोग गए थे उसको बचाने के लिए लेकिन उल्टा ही फंस गए हैं, तो एक काम करता हूँ भगाता हूँ इस गाड़ी को, और चलना होगा अपने को कर्नल के पास। देखो गाइस मैं ना एक वाटर टैंक के ऊपर आकर के खड़ा हो चुका हूँ, और सामने की साइड आप एक बार नज़र मारो, बहुत ज़्यादा पुलिस है, और बाकी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना यहाँ पर, और मैं तो ना जा ही नहीं सकता किसी भी एंगल से, अगर मैं यहाँ से जाने की भी ट्राई करूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ना यार सारी जगह चेकिंग चल रही है, और ये लोग बस मेरे को ढूंढ रहे हैं,
तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि चुपचाप से ना यहाँ पर बैठे रहता हूँ, और जब यहाँ से पुलिस वगैरह हट जाएगी तो मैं यहाँ से ना भाग जाऊँगा भाई। और बाकी एक बार मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा देता हूँ, वो बिल्कुल नीचे की साइड खड़ी हुई है। और कहाँ गई भाई, कोई लेकर तो नहीं भाग गया? नहीं, वो पेड़ के नीचे आपको नजर आ रही होगी, वो खड़ी है अपनी गाड़ी। तो ठीक है भाई, मैं ना यहाँ पर वेट करता हूँ रात होने का, और जब भी रात होगी हम लोग निकल के भागेंगे इधर से। फाइनली गाइस, यार मेरे को ना पूरे 2 घंटे हो गए यहाँ पर वेट करते करते, और जो पूरा एरिया है वो क्लियर हो चुका है। तो जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से ना जल्दी से नीचे की साइड चलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा चलते हैं मिलिट्री बेस पर, और कर्नल को जा कर के मिलते हैं। और भाई मैं तो कुछ ज़्यादा ही बुरा फंस गया हूँ यार, गया था प्रेसिडेंट को बचाने के लिए और बहुत उल्टा ही सीन हो गया। तो जल्दी से ना बैठ गया हूँ मैं अपनी गाड़ी के अंदर, अबे बैठ जाना। हाँ भाई, मैं फाइनली बैठ गया अपनी गाड़ी में, और भगाते हैं यहाँ से अपनी गाड़ी को और पहुँचते हैं सीधा मिलिट्री बेस पर। यार मैं सोच रहा हूँ कि सड़क से तो ना ही जाऊँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ ना गाइस, इस गाड़ी को लेकर के ना मैं अभी ना ट्रेन के पीछे पीछे जाता रहूँ, क्योंकि अगर मैं मेन हाईवे से जाऊँगा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तगड़े वाली हो सकती है। तो ठीक है भाई, अपने को ना 20 से 25 मिनट लग जाएंगे मिलिट्री बेस पहुँचते पहुँचते। तो एक काम करते हैं, ट्रेन को फॉलो करते हैं और पहुँचते हैं बेस पर। ओके, तो गाइस इस टाइम पर ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुंच गया हूँ मिलिट्री बेस के बहुत ज़्यादा क्लोज, और जल्दी से चलते हैं कर्नल के पास। और बाकी ना मैं उसको जा कर के बोलने वाला हूँ कि भाई तूने मेरे को अलग मुसीबत में फंसा दिया। तो ठीक है भाई कर्नल, एक मिनट, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्वैट टीम की सिक्योरिटी है, और अगर मैं भागने की भी ट्राई करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा तगड़े वाली। अरे यार, मैं जिससे बच करके भाग रहा था ये तो मेरे सामने की साइड ही खड़े हैं, और ये लोग मेरे को कुछ बोल नहीं रहे हैं भाई, ना इन्होंने मेरे ऊपर एम करा है। और यार जल्दी से चलते हैं कर्नल के पास, कर्नल सामने और प्रेसिडेंट भी राइट साइड में खड़ा है उसके। तो जल्दी से ना उसके पास चलते हैं और उससे बातचीत करते हैं। यार एक तो ना मैं इसकी मदद करने के लिए जा रहा था, अगर ये लोग मेरे को मारेंगे तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता भाई। अरे यार, इस टाइम पर मेरी इनसे बात हो गई है, और प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं पहले मिलिट्री बेस है कंफर्म करने के लिए कि जो तूने मेरे को बोला था कि वो सच है कि नहीं, लेकिन सही में ये सब कुछ सच निकला। और ये कह रहा है कि मैंने ना तेरे को ढूंढने के लिए पुलिस भेजी हुई थी हाईवे पर, अगर जहाँ भी तू दिखा तेरे को उठा करके मेरे पास ले आए और मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा। और मैंने सब कुछ बताया कि यार मैं तो उनको देख करके एक टैंक के ऊपर चढ़ करके छुपा हुआ था। और कर्नल कह रहा है कि माइकल बहुत ज़्यादा बढ़िया बंदा है और इसने एक झटके में आपकी मदद कर दी। और प्रेसिडेंट मेरे को पता क्या बोल रहा है, कह रहा है कि तू बोल तेरे को कौन सा गिफ्ट चाहिए। भाई मैं अभी ना इतनी ज़्यादा हालत ख़राब करके आया हूँ, मैं मना तो नहीं करूँगा, सर मेरे को पैसे दे दो भाई कि मैं रोल्स रॉयस खरीद सकूँ अपनी वाइफ के लिए। ओके, तो गाइस इस टाइम पर ना मैंने प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी बोल दिया है, अब जल्दी से ना हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और बाकी प्रेसिडेंट कह रहा है क्योंकि दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को कॉल कर देना, मैं तुम्हें शोरूम तक पहुँचा दूंगा, और अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो जरूर से मेरे को वापस से कह देना। तो भाई अपने को इतने पैसे मिल गए हैं बहुत है, एक तो ना यार इस पैसे को मैं अलग जगह पर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अमेंडा ने ना भाई दोपहर से जीत कर रखी है कि उसको एक गाड़ी चाहिए, उसको एक गाड़ी चाहिए। तो इस टाइम पर ना मैं जाने वाला हूँ अपने सीधा घर पे, और उसके बाद ना सुबह हम लोग चलेंगे अमेंडा के लिए एक गाड़ी लेने के लिए। तो ठीक है भाई, अब जल्दी से ना इस गाड़ी को लेकर के चलता हूँ सीधा अपने घर पे, और लेस्टर वगैरह भी परेशान होंगे कि मैं सुबह से गायब ही कहाँ पर हूँ। देखो यार, हम लोग ना रात में बहुत ज़्यादा लेट आए थे अपने घर पे, उसके बाद सुबह हो चुकी है, कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए हैं, और आज वो दिन है जब मैं अमेंडा को लेकर के जाने वाला हूँ रेंज रोवर खरीदने के लिए। और यहाँ पर अमेंडा है, तो चलो गाइस अपने पास पैसे वगैरह भी हैं। देखो यार मेन चीज़ ना, मैंने रोल्स रॉयस के पैसे मांगे थे प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट ने अपने को भाई बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, रोल्स रॉयस से 1-2 मिलियन ऊपर ही दिए होंगे उसने। और देखो अपने को लेनी है रेंज रोवर, और जो रेंज रोवर है वो आराम से मेरे को लग रहा है 10 या 11 मिलियन डॉलर में तो आ ही जाएगी, और जो रोल्स रॉयस थी वो बहुत ज़्यादा महंगी आती। तो ठीक है भाई, अमेंडा भी पूरी एक्साइटेड है और पूरी रेडी है, और मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि ना इसकी जो पसंद होगी वही हम लोग इसको परचेज करके देंगे। तो जल्दी से बैठते हैं अपनी चेस्को में। पहले देखो मैं अपने न्यू वाले घर पर गया था, वहाँ वो जो खटारा गाड़ी में चला रहा था ना साइलेंट से, उसको वहाँ मैंने पार्क करा और फिर चेस्को उठा करके मैं अपने घर पर आया। तो ठीक है भाई, अब जल्दी से यहाँ से ना अपनी इस चेस्को को लेकर के अपने को पहुँचना होगा सीधा शोरूम पर। और अमेंडा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अब इसको बिल्कुल भी मतलब नहीं है पैसे हम लोग लेकर के कहाँ से आ रहे हैं, इसको बस इसके शौक मिटाने हैं, इसको भाई रेंज रोवर चाहिए इसके बहुत ज़्यादा तगड़े वाले। तो ठीक है, इसकी ये विश भी हम लोग पूरी कर देंगे। फिलहाल तो मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ यहाँ से, और अपने को जाना होगा सीधा रेंज रोवर लेने के लिए।
फाइनली गाइस इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुंच गया हूं सीधा एक शोरूम पर। अमेंडा ने जिस शोरूम का नाम लिया मैं उसी शोरूम पर इसको यहां पर लेकर के पहुंच गया हूं। अब जल्दी से ना जो भी इसको गाड़ी पसंद आएगी वो हम लोग इसको दिला देने वाले हैं। और मेरे को एक शोरूम तो नजर आ रहा है और यहाँ की पार्किंग कहाँ है? अरे यार मेरे को लग रहा है इधर शोरूम की पार्किंग ही नहीं है, ये यहाँ पर हम लोग इसको पार्क करते हैं। तो ठीक है, ओ भाई अमेंडा बहुत ज़्यादा जल्दी उतर गई है। तो ठीक है भाई, अब जल्दी से ना अपने को चलना होगा सीधा आगे की साइड। और हाँ यार अमेंडा सही में बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है, तो जल्दी से ना हम लोग आगे की साइड चलते हैं। अमेंडा भी अपने साथ आ रही है। वैसे अपने पास इतनी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया गाड़ी हैं लेकिन अमेंडा को रेंज रोवर ही चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हो गाइस बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। सामने की साइड एक ऑडी नज़र आ रही है, यहाँ पर एक रेंज रोवर है और एक मर्सिडीज है और एक पुरुष है। और यहाँ का मैनेजर कौन है भाई? आ जाना अमेंडा, शर्मा क्यों रही है? चलो ठीक है भाई, अब जल्दी से ना मैनेजर से जाकर के बातचीत करते हैं। इन लेडीज को शायद से पता होगा मैनेजर कहाँ पर है, इनसे बातचीत एक बार करके देखते हैं। ठीक है गाइस, इस लेडी से अपनी बात हो गई है और ये है इस शॉप की मैनेजर जो सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज करती है। और ठीक है भाई, यहाँ पर ये देख रहे हो गाइस अमेंडा को ये रेंज रोवर पसंद आई है। मेरे को फिलहाल तो रेड कलर की गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मेरे पास कोई भी कार्स कलेक्शन में रेड कलर की गाड़ी है। या तो पैरट ग्रीन है मेरे पास या तो वाइट ब्लैक है भाई, ऐसी गाड़ियाँ रखता हूँ मैं तो। और ये कह रही है कि इसको रेड कलर की ये रेंज रोवर पसंद है। अब देखा जाएगा भाई जो भी है, अब इसकी ना एक बार टेस्ट ड्राइव अपने को लेनी होगी। तो हमने इनसे पूछ लिया तो ये लोग कह रहे हैं हाँ सर आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। तो ठीक है अमेंडा जल्दी से ना आ करके बैठ जा गाड़ी में और टेस्ट ड्राइव में। अपने साथ ये जो वर्कर है ना ये भी जाने वाला है। तो ठीक है भाई बिठाते हैं अमेंडा को, निकलते हैं बाहर की साइड। ओके यार एक बंदा अपने साथ बैठ गया, अमेंडा भी यहाँ पर आ रही है बैठने के लिए। और अमेंडा को ना ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। जल्दी से अब मैं इस गाड़ी को ना बाहर की साइड निकालता हूँ और इसकी पूरी टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं कि ये चलने में कैसी है। मेरे को लग रहा है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है क्योंकि एक तो रेंज रोवर है ना भाई, जहाँ भी जाएगी सब लोग तारीफ ही करेंगे इस गाड़ी के। ओ भाई साउंड तो अभी स्टॉक है, हम लोग इसको बाद में मॉडिफाई वगैरह करवा लेंगे। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ इसके, और एक डिजिटल मीटर है देख रहे हो सामने की साइड, एक स्पीडोमीटर डिजिटल है। और यहाँ पर पीछे की साइड बहुत ज़्यादा जगह है यार बैठने की, ऊपर दो दो सनरूफ हैं। तो ठीक है यार बहुत ज़्यादा खतरनाक गाड़ी है। और वही जो नॉर्मल स्टेयरिंग होता है स्टॉक वाला रेंज रोवर का, हम लोग इसको भी मॉडिफाई करवा सकते हैं। अभी चल पड़ो ना भाई, यार मेरे को ना गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है तो फिलहाल अपने को वेट करना होगा, ग्रीन लाइट होगी तो चलेंगे। चलो गाइस चलने में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये गाड़ी, वैसे मज़ा ही आ गया इस गाड़ी को ड्राइव करके। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको चलाया है और मज़ा सही में बहुत ज़्यादा आ गया। अमेंडा को भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो बस यार बहुत ज़्यादा हमने इसको चला लिया है, अब जल्दी से ना इसको वापस से लेकर के चलते हैं शोरूम पर। और मैं नमी गाड़ी से ट्रिप वगैरह मार रहा हूँ और वो जो बंदा मेरे साथ बैठा है यार ये डर ही रहा होगा कहीं ये ठोक उक ना दे गाड़ी। तो फिलहाल मैं शोरूम के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया हूँ। फिलहाल तो ना गाइस मैं इस गाड़ी को ना बहुत ज़्यादा आगे से घुमा करके लेकर के आया हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया इस गाड़ी को चलाने में। और अमेंडा कह रही है कि बस इसको हम परचेज करने वाले हैं, तो ड्रिफ्ट वगैरह भी मैंने बहुत ज़्यादा मार दी इस गाड़ी के साथ। और वो जो वर्कर आया ना भाई वो पक्का डर रहा होगा कि वो किसके साथ आ गया है टेस्ट ड्राइव के लिए। तो अपने को ना बस चल लेना चाहिए। और ये स्टारबक्स यहाँ पर, ठीक है भाई इधर भी कहीं भी ना कभी आ ही जाएंगे, देखा जाएगा। तो जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं शोरूम पर पहुँचते हैं। तो वो जो शोरूम था मेरे को जहाँ तक याद है सीधा आगे की साइड ही जाना है ना मेरे को। एक मिनट यार मैं रास्ता ही भूल गया हूँ, एक तो मैं चला भी बहुत ज़्यादा रॉन्ग साइड रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ अपने को, ओ भाई अब मेरे को याद आ गया है, यहाँ से लेफ्ट लेकर के आगे से राइट लेना तो हम लोग शोरूम के क्लोज पहुँच जाएंगे। और भाई ये जो स्टॉक गाड़ी है ना ये बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट खतरनाक वाली मारती है जैसा आप देख ही रहे होगे। और वैसे अमेंडा को चाहिए ये ड्रिफ्ट का तो क्या करेगी, इसको तो स्टॉक गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। ठीक है भाई अब हम लोग शोरूम के क्लोज है, भगाते हैं गाड़ी को। फिलहाल तो मैं इस गाड़ी को लेकर के ना शोरूम पर पहुंच गया हूं और सही में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया इस गाड़ी को लेकर के। टेस्ट ड्राइव भी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी और बाकी अगर हम लोग इसको परचेज कर लेंगे तो मज़ा तो और भी ज़्यादा आ ही जाएगा। इसको ना अभी के लिए बाहर हम लोग खड़े कर देते हैं पार्किंग में। और सर आ जाओ सर हमें ये गाड़ी परचेज करनी है, और जल्दी से जो भी प्राइस है वो इसका बता दो। और ये मैनेजर खड़ी है यहाँ पर और ये सोच रही होगी कि यहाँ पर कौन सी गाड़ी ला करके खड़ी करें। ठीक है गाइस यार इस टाइम पर ना पूरी पेमेंट मैंने कर दिया है, जो अपने को गाड़ी मिली है वो मिली है पूरी 12 मिलियन डॉलर की। और ये कुछ लेटेस्ट एडिशन है रेड कलर का, ये लोग कुछ ऐसा बोल रहे हैं। और गाड़ी का जो भी साइन वगैरह वो हमने फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी कंप्लीट कर दिया है। और एक मिनट अमेंडा अपना डांस कर रही है, बहुत ज़्यादा खुश है बेचारी।
तो ठीक है गाड़ी यहाँ पर है, लेकिन ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, इससे ना चल करके बातचीत करते हैं एक बार। देखो गाइस ये कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया है, गाड़ी की तो पिक्चर ये ले ही नहीं रहा है, ये अमेंडा की वीडियो बना रहा है, तो निकल ना इधर से भाई, पागल ही है यार लॉस एंटोस में लोग, तो जल्दी से ना अब अमेंडा इसको ड्राइव करेगी कि मैं ड्राइव करूँ, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस अमेंडा बोल रही है कि ये गाड़ी को ड्राइव करने वाली है, तो हम लोग एक काम करते हैं भाई, अब हैवी ड्राइवर गाड़ी की सीट पर बैठ गया है और बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम हो जाएगा। और देखो गाइस यार ये स्टीयरिंग पर भी बहुत ज़्यादा कम आ रही है यार, बहुत ज़्यादा छोटी हाइट है ना, तो क्या ही करें। और बाकी अपनी जो जेस्को है ये लोग ना कह रहे हैं हम लोग इसको डिलीवर आपके घर करवा देंगे, अरे यार आराम से इसको ड्राइव करना, और ये तो भाई बहुत ज़्यादा गंदी भगा रही है गाड़ी को, मेरे को लग रहा है ना गाइस ये पक्का गाड़ी ठोकेगी, वहाँ पर तो अभी ठुकती है गाड़ी के समेत और बच गई है भाई, और यहाँ पर क्या गाड़ी ड्राइव कर रही है यार, मेरे को तो डर ही लग रहा है, रॉन्ग साइड पे पूरी गाड़ी को भगा रही है, और अब गया मैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं 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 नहीं, अरे भाई यहाँ से गाड़ी आ रही है, अरे यार अमेंडा ने ना सड़क से तो बाहर की साइड ही उतार दिया गाड़ी, एक तो इसकी ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और ऊपर से ये ट्राई कर रही हैवी ड्राइवर बनने का, लेकिन इसकी बस की बात नहीं है भाई, मेरे को तो कुछ ऐसा लग रहा है। अरे नहीं ये ड्रिफ्ट मार रही है गाड़ी, पक्का भाई आज ही लिया, आज ही ये पूरी गाड़ी का कबाड़ा कर देगी, अरे यार मेरे को लग रहा है ना पक्का खतरनाक सी टक्कर करवाएगी, मैं अलग गिरूंगा ये अलग ही मर जाएगी यहाँ पर, और आगे की साइड सड़क नहीं है, मैं ओ भाई पागल है क्या, इसने गाड़ी को कहाँ ही जंप करवा दिया। देखो गाइस यार ऊपर रोड से ना इसने जंप करवा करके गाड़ी को यहाँ पर ले आ करके पटक दिया है, और गाड़ी पूरी सही सलामत है, गाड़ी को कोई खरोच तक भी नहीं आई है, और ये कह रही है कि माइकल मैं ड्राइव करके दिखाती हूँ गाड़ी, में बहुत ज़्यादा तगड़ी ड्राइव करती हूँ। अरे यार आगे की साइड तो कुछ भी नहीं है, ये पक्का या तो ठूकेगी या तो ख़त्म ही कर डालेगी यार, अब यहाँ से ये गाड़ी को पता नहीं भाई कौन कौन से रास्ते से लेकर के जा रही है, तो फिलहाल तो ये शायद से पहुंच गई है सड़क तक, भाई बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम था अमेंडा के साथ, तो ठीक है यार अमेंडा इसको ना जल्दी से घर पर लगा, और बस एक बार मैं घर पर पहुंच जाऊं तो मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा तगड़े वाला। ओके तो गाइस इस टाइम पर ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुंच गया हूँ सीधा अपने घर के बहुत ज़्यादा क्लोज, और बाकी मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस टाइम पर, अमेंडा से मैंने ना स्टीयरिंग ले लिया है, और बाकी इसने ना इतनी ज़्यादा खतरनाक तो गाड़ी चलाई वो कोई डाउट नहीं है, ये ठोक तो बिल्कुल भी नहीं रही थी, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा अलग सा लग रहा था, तो फाइनली मैं घर पर आ गया हूँ, मैंने बोला कि अभी मेरे को चलाने दे, बाद में भाई तो इसका कबाड़ा कर दे, मेरे को उससे कोई भी मतलब नहीं है, तो इसको ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर लेकर के चलते हैं, तो वेदर भी बहुत ज़्यादा ख़राब है जिस करके बारिश आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, तो ठीक है अमेंडा अब तो इसको कहीं भी लेकर के जा सकती है। ठीक है गाइस अमेंडा अपना गाड़ी वगैरह को वहाँ पर देख रही है, हुड में कितनी स्पेस है और बाकी सारे सिस्टम उसके सीख रही है, और तब तक ना मैं उन कंपनी वालों को कॉल कर देता हूँ, अपनी जेस्को वगैरह यहाँ पर ले आ करके दे देंगे, नहीं तो मेरे को लग रहा है मेरे को वापस से टैक्सी करके वहाँ पर जाना पड़ेगा और अपनी गाड़ी को लेकर के आना पड़ेगा, तो चलो ठीक है वो हम लोग कर लेंगे। अपनी गाड़ी आ गई है भाई वो भी फ्री में, हमने प्रेसिडेंट की जान बचाई क्योंकि वहाँ पर फेक सिक्योरिटी थी। चलो ठीक है गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस लव यू ऑल।